वकील साहब से मिलके कुछ रास्ता निकल जाए तो बहुत अच्छा होगा। पापा आप जाइए तो सही, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आप बस मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए और रिक्शा में बिठा दीजिए। ब्रह्मदेव आप कितना भी प्रयास क्यों ना करें, इंद्रदेव हमारे पक्ष में ही रहेंगे। प्रिय ये हमारी ओर से आपके लिए उपहार है। देवी इस अंगूठी के माध्यम से आपकी असुरी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी, इस कार्य के लिए आप मुझे क्षमा करें। मेरा शक सही निकला, अब मुझे जल्दी से सबूत जुटाना होगा। हेलो ट्रिस्टा आंटी, आपको क्या लगा कि किसी को समझ में नहीं आएगा कि जेल वाली आंटी आप नहीं हो? मुझे तो पहले ही समझ में आ गया था कि आप ही हो। अच्छा, अगर वो समझ में आ गया था तो ये भी समझ लो कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम्हारी बातों पर कोई नहीं यकीन करेगा। सबको लगता है पुष्पा पर हमला संतोषी ने किया, जबकि वो मैंने किया था। मैं अभी जाकर पुलिस वाले अंकल को सब बता दूंगी। पुलिस वाले अंकल को सब कुछ बता दोगी? लेकिन तब ना, जब तुम यहां से जा पाओगी। जाके दिखाओ, जाओ जाओ। क्या करोगी? तुम रुको त्रिष्णा, मैं पकड़ती हूं इसे। अरे बेटे, संतोषी मिली कैसी है वो? हाँ मैं मिलके ही आ रहा हूं। पापा ठीक है वो? वकील साहब से बात हुई? नहीं, मैं उनसे मिलने गया था, बहुत बिजी है वो, मिल नहीं पाया। कल मुलाकात हो जाएगी। शुक्र है कि संतोषी ठीक है। हे संतोषी माँ, संतोषी की हिम्मत बनाए रखना। अरे अपनी रुद्राक्षी कहाँ है? मैं भूल ही गया था उसे फोन करना, मैंने उसको रिक्शा बैठा के घर भेज दिया था, अभी तक घर नहीं आई। नहीं नहीं पहुंची पापा, लेकिन मैंने उसे अपने सामने रिक्शा में बैठाया था, कहा था घर पहुंच जाओ, घर पहुंच के मुझे फोन करना, नहीं तो मैं फोन करने वाला। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इतनी छोटी सी बच्ची को तुमने अकेले रिक्शा में कैसे भेज दिया? तुम जानते हो ना कि हमने कैसी कैसी मुसीबतें झेली। पता नहीं पापा मैं क्या सोच रहा था उस वक्त। एक्चुअली वकील साहब से मिलने जाना था, लेट हो रहा था, उसने भी इंसिस्ट किया। क्यों बच्चे के बात पे आ गया ऐसा? कोई बात नहीं, मैं अभी से कॉल करता हूँ, पूछता हूँ कहाँ है वो। पकड़ा पकड़ा। देखा, अब ये बच के जा नहीं पाएगी। पकड़ा पकड़ा। रुको कृष्णा, आज इसे छोड़ोगी नहीं। हाँ रुक जाइए माँ, इसे तो मैं अकेले ही देख लेती हूँ। नहीं नहीं त्रिष्णा, ये बाहर जाएगी तो सबको सब कुछ बता देगी। पता है माँ,
लेकिन रुद्राक्षी बहुत शक्तिशाली है, उसे हम ऐसे भी नहीं रोक सकते। मैं काम करती हूँ, मैं पुलिस स्टेशन चली जाती हूँ। एक बार मैं वहां पहुंच गई फिर उसकी बातों पर कोई नहीं यकीन करेगा। संभाल के जाना कृष्णा। पापा फोन नहीं लग रहा, नॉट रिचेबल बता रहा है। तुम लगाओ, फिर से लगाओ। Number you have called is currently not reachable. Please try again later. Thank you. पापा फोन नॉट रिचेबल आ रहा, कुछ नहीं कर सकते। आप टेंशन मत लीजिए, मैं जा रहा हूँ ढूंढने के लिए। चलो चलो, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। चलो। ये लो, खाना खा लो। ये लॉकअप में कैसे पहुंची? साहब, अभी तो मैं खाना देने आई थी, तब तो ये यहाँ नहीं थी, पता नहीं अचानक कैसे आ गई। लॉकअप में कैसे आई और इतने घंटों से कहाँ गायब थी? जल्दी बता। साहब, हम तो यहीं पर थे, गायब तो ये हुई थी साहब। हाँ? अभी अभी तो आई। पागल हो गई। ये चल क्या रहा है? पहले ये बोल रही थी कि ये रामकली है, अभी तुम कहती हो तुम रामकली हो। सर्कस चला यहाँ या तुम सबको मैं जोकर लग रहा हूँ? हाँ, देख के तो ऐसा ही कुछ लग रहा है। हम सच कह रहे साहब, साहब हम यहीं पर थे। साहब, गायब तो ये हुई थी? बिल्कुल नहीं, हम सच कह रहे साहब, हम यहीं पर थे। ये पागल हो गई है, दूसरे लॉकअप में जाके बंद करो इसे। और हाँ, कड़ी नजर रखना इस पर, पता नहीं क्या हो रहा है अजीब यहाँ पे, कैसे कैसे भूत प्रेत इकट्ठा हो गए थाने में। ले जाओ इसे। हाँ, ले जाओ ले जाओ, चलो यहाँ से। चलो से रात होगी बेटा, लेकिन रुद्राक्षी कहीं नहीं मिली। बेटे, हमें लगता है कि हमें पुलिस पे रिपोर्ट दर्ज करवा देनी चाहिए। पापा, ये सब मेरे कारण हुआ, मुझे रुद्राक्षी को अकेले नहीं भेजना चाहिए था। अरे बेटे, अब अपने आप को दोषी मत ठहराओ, बस जल्दी से चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, रिपोर्ट दर्ज करो। मैं चलो। रुद्राक्षी? अरे बेटे, अरे बेटे, ये क्या है, कहाँ थी तुम? बेटे, सारा दिन हम ढूंढते रहे, दोपहर से हम लगे हुए हैं, तुम समझ नहीं आ रही हम कितने परेशान हो गए हैं। बेटा, कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या हुआ, क्या? बेटे, तुम कहाँ थी सारा दिन? दादू, रुको। अरे दादू, अब सांस लो,
नहीं तो आपका बीपी और बढ़ जाएगा। कहाँ चले गई थी तुम? और पापा आप टेंशन मत लो, और ये देखो। सबको लगता है पुष्पा पर हमला संतोषी ने किया, जबकि वो मैंने किया था। अभी जाकर पुलिस अंकल को बताती हूँ। पुलिस वाले अंकल को सब कुछ बता दोगी? लेकिन तब ना, जब तुम यहाँ से जा पाओगी। ये वीडियो तुम्हें कहाँ से मिला? पापा जब आपने मुझे छोड़ा। पापा अब मेरी मम्मा को कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता नहीं है रुद्राक्षी तुमने कितना बड़ा काम किया। कमाल की बच्ची है, कमाल की बच्ची। कृष्णा के प्लान का सारा कच्चा चिट्ठा इस वीडियो में। अब देखता कैसे बचती हो तुम। काका जी इतनी रात में आप सब यहाँ? वकील साहब बहुत अर्जेंट काम है, एक्चुअली हमें एक प्रूफ मिला है जिससे संतोषी बच सकती है। ठीक है आइए। हेलो त्रिष्णा आंटी, ये जेल वाली आंटी आप नहीं हो? मुझे तो पहले ही समझ में आ गया था कि आप ही हो। अगर वो समझ में आ गया था तो ये भी समझ ली कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम्हारी बातों पर कोई नहीं यकीन करेगा। सबको लगता है पुष्पा पर हमला संतोषी ने किया, जबकि वो मैंने किया था। इस वीडियो में तो तृष्णा ही एक्सेप्ट कर रही है कि उसने ही पुष्पा को मारने की कोशिश की थी, मगर पुलिस के पास जो फुटेज है उसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि पुष्पा पर हमला संतोषी ने किया था। पर अंकल कोई किसी को मारने की बात ऐसे थोड़ी ना कहेगा। हाँ, इस वीडियो के आधार पर कुछ तो जरूर हो सकता है। हाँ वकील साहब, लेकिन ये जो वीडियो है, ये जब इंस्पेक्टर साहब देखेंगे तो आई थिंक इसके बाद कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। ठीक है, हम कल सुबह ही दोबारा जांच शुरू करने का दबाव बनाएंगे, और अगर पुलिस ने हमारी बात नहीं मानी तो हम अपनी बात कोर्ट में रखेंगे। वकील साहब, ये कार्रवाई अभी इसी वक्त नहीं हो सकती ताकि संतोषी को जमानत मिल सके। काका जी, आपके लिए इतनी रात को मैं तोड़ गया, लेकिन कानून नहीं उठेगा। यानी कि अब जो भी कार्रवाई होगी वो कल सुबह ही होगी। छोटी, ये संतोषिया को अगर सजा हो गई ना तो उसे जेल हो जाएगी, और अगर उसे जेल हो गई तो फिर हम लोगों को इस घर से बाहर जाना पड़ेगा। हमको ना इस घर में रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ए बड़की भाभी, काहे परेशान हो रही हो? हम एक काम करते हैं, हम कल ही जाते हैं और माँ बेटी का जाके सिर फोड़ाते हैं। बड़े आए सिर फोड़ने वाले। हाय भैया, कभी देखा उन माँ बेटी को है? कितनी ताकतवर है, पता चला उनकी जान लेने गए और खुद का नुकसान करा के चले आए। ए माधुरी, कुछ भी अनाप शनाप मत बोला करो, हैं? आइए देखो, ये ताबीज है हमारे पास। हाँ, किसी से डरने की जरूरत नहीं है हमें। हाँ, हाँ। तुम क्या बात कर रही थी, बड़े ताकतवर हैं। एक छोटी सी बच्ची से तो हार गए, काहे के ताकतवर हैं? जे कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गए हम? इतना कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है शेषनाथ बाबू। हमारा कहने का मतलब है कि ये ताबीज है ना हमारी रक्षा करने के लिए है? और रुद्राक्षी ने भी यही ताबीज पहनकर उन्हें हराया होगा। और वैसे भी कल हम अकेले थोड़े जाने वाले हैं, बड़की भावजी तो हमारे साथ जाएंगी, है कि नहीं? हा? अरे ये ताबीज जो है हमारे पास, इससे तो हम किसी को भी हरा सकते हैं, है कि नहीं बड़की भावजी?
कह रहे हैं देवर जी? संतोषी, नींद में भी तेरे सर की आवाज आ रही। संतोषी, संतोषी, जो पेरिस, आप यहाँ क्या कर? आप यहाँ क्या कर रहे? चलो यहाँ से, चलो निकलते हैं यहाँ से। यहाँ से भागना ठीक नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो हमारी परेशानी और बढ़ जाए। देखो, पुलिस तुम्हारी बात नहीं मान रही और मानेगी भी नहीं, और जब तक यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम सबूत कैसे जुटाएंगे? चलो चलो जल्दी, सोचो मत, अभी जल्दी चलो। प्रिय, ये हमारी ओर से आपके लिए उपहार है। ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग? ये घर का रास्ता तो नहीं लग रहा। तुम धैर्य को प्यार से क्या बुलाती हो? प्यार से क्या बुलाती हो धैर्य को? मतलब? जिस नाम से भी बुलाती हो आखिरी बार याद कर लो, अब तुम कैसे बचोगी संतोषी? इस अंगूठी में जड़े रत्न प्रत्येक दिन अपना रंग परिवर्तित करते हैं।
और नहीं भागोगे संतोष? तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, सारी परेशानी मैं आज हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी।